हेलो डे स्टूडेंट आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई क्वेश्चन क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एक्स का पावर फोर माइनस फोर हंड्रेड एक्स माइनस नाइन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन सिक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पर एक्स जो है आपका रियल नंबर है और इस क्वेश्चन को मैं जो फर्स्ट मैथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ तो हमारा इक्वेशन दिया है एक्स का पावर फोर माइनस फोर हंड्रेड एक्स माइनस नाइन 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 सिक्स इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसको हमें सॉल्व करना है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये है एक्स का पावर फोर माइनस अब ये जो फोर हंड्रेड है इसको हम तोड़ के टू इंटू टू इंटू हंड्रेड इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख दिया ठीक है ये आपस में क्या है फोर हंड्रेड एक्स के बराबर है माइनस अब ये देखिए ये जो नाइन 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 सिक्स है ना इसको हम वन और इस तरीके से टेन थाउजेंड माइनस और फोर लिख सकते हैं कि नहीं यहां पे आप देख सकते हैं कि टेन थाउजेंड में से आप फोर माइनस करेंगे तो क्या आएगा यही तो आएगा ना ठीक है इक्वल टू ये हो गया अब इसके, अब इसके क्या करेंगे का पावर माइनस ये है <सड़ियों> माइनस अब यहां पे क्या करेंगे इसको जो है हम स्क्वायर में लिख सकते हैं होल स्क्वायर में कैसे हंड्रेड का होल स्क्वायर इस तरीके से हम करके लिख सकते हैं ठीक है हंड्रेड का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका फोर है ठीक है लिख दिया इक्वल टू जीरो ठीक है अब इसके आगे देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि आपका ये हंड्रेड और यहाँ पर ये हंड्रेड का होल इसका यहाँ पे आपको हंड्रेड दिख रहा है दो बार एक ये है कि है ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट इसको हम क्या मान लेंगे लेट ए इज टू हंड्रेड एक को हम क्या मान लेंगे हंड्रेड देखिए क्या हो जाएगा एक्स का पावर फोर माइनस ये आपका क्या है टू इंटू टू इंटू और ये हंड्रेड को हमने क्या माना ए और ये आपका एक्स दिया हुआ है लिख दिया यहाँ पर माइनस और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर इसको हमने क्या माना ए ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो ठीक है ये हो गया हमने यहाँ पे हंड्रेड को ए के माना थोड़ा इक्वेशन आपका सिंपल हो जाए थोड़ा सिंपल लगे फिर बाद में हम एक की वैल्यू रख देंगे ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे एक्स का पावर फोर माइनस अब देखिए इसको इंटू कर लीजिए टू टू जब फोर ए एक्स ये क्या हो जाएगा फोर ए एक्स हुआ ठीक है माइनस अब ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे फोर लिखिए इक्वल टू तो जीरो ठीक है यह है हमारे पास अब इसके आगे देख क्या करेंगे हम इसके आगे हम करेंगे x का पावर फोर और ये आपका क्या है प्लस फोर इसको यहीं पे रहने दीजिए थी, ठीक है और ये जो जिन माइनस जो साइन है इन दोनों को हम क्या करेंगे आर एच एस में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर ए एक्स प्लस ए ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर ठीक है पेज हम ऊपर करते हैं पेज हमने ऊपर किया अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे यह है आपका एक्स का पावर फोर प्लस फोर इक्वल टू ये क्या है आपका ये देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर पहले लिखिए प्लस ये आपका है फोर ए एक्स ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एल एच एस और आर एच एस दोनों पर ध्यान दीजिए हमें यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है होल स्क्वायर में हम ऐसा कर किस ले रहे हैं देखिए अब हमारा जो मेन इक्वेशन है ना मेन इक्वेशन हमारा क्या है देखिए ये जो हमारा मेन इक्वेशन है ना एक्स का पावर फोर माइनस फोर हंड्रेड एक्स माइनस नाइन 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 सिक्सल टू जीरो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है कि ये बाद में ना एक दो फैक्टर्स के फॉर्म में आ जाए ठीक है ना मतलब एक दो फैक्टर्स दो ब्रैकेट के और बीच में मल्टीपल इसके फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम ना ये दो इक्वेशन के मल्टीपल में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है तो अब देखिए पेज में नीचे करती हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा लास्ट में ठीक है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एल एच एस और आर एच एस दोनों को हम क्या करेंगे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा यहां बीच में प्लस है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो इसमें कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में एल एच एस और आर एच एस दोनों को अब देखिए इसके क्या करेंगे इसके लिए हमें यहाँ पर कोई चीज ऐड करने पड़ेगी क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो टोटल तीन टर्म तीन टर्म होते हैं यहाँ पर टोटल कितने टर्म होते हैं तीन टर्म तो यहां पर हमारा केवल दो ही टर्म है दोनों में तो हमको एक टर्म इसमें ऐड करना पड़ेगा एल एच एस और आर एच एस में तो ऐड तो करने के बाद आप देखिएगा कि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर क्वल टू ये क्या ए स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स अब देखिए हम यहाँ पे क्या चीज ऐड करेंगे <laughs> यहां पर हम ऐड करेंगे टू एक्स का होल स्क्वायर दोनों साइड हम क्या ऐड करेंगे टू एक्स का होल है एक्स का पावर फोर है और ये क्या है आपका प्लस इसको यहां पे लिखिए टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस और ये फोर है लिख दिया यहाँ पर equal to ये क्या ए स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर अब देखिए ये फॉर्मूला बनना कैसे मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ ये मैंने पेज ऊपर किया अब देखिए x का पावर फोर इसको अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं लिख दिया प्लस फोर का फोर क्या है इसको टू का स्क्वायर लिख दिया ठीक है लिख दिया यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फोर को क्या लिखा टू स्क्वायर का होल स्क्वायर तो देखिए ये जो एक्स है ये बिल्कुल ए के फॉर्म में है और ये बी के फॉर्म में है तो टू क्या होगा देखिए ये दो टर्म मिल रहा है हमको ए ए प्लस का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस होता है तो देखिए ए और बी मिल गया टू तो टू ए कैसे

by टू एक्स का ये जो टू हमने क्या टाइम एक्स्ट्रा एड किया है टू एक्स का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया।, तो किया है यही तो एड किया ना इस टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर ही तो आएगा तो आप देखिए ये टू ये क्या आ रहा है इन टू होने पर ये क्या आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना आ रहा है ना तो अब यहाँ पर भी देखिए इक्वल टू ये क्या ए स्क्वायर है तो इसको हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये क्या है टू एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको टू एक्स का होल स्क्वायर लिखिए लिख दिया अब देखिए ये फोर एक्स है ना ये क्या है देखिए ये आपका ये फॉर्मूला जो है ना ये वाला ये ये ए स्क्वायर ये है आपका इसको बी स्क्वायर मानिए तो ये दो टर्म मिल गया आपको क्या मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए भी चाहिए ये देखिए ए बी लिखा हुआ है तो देखिए टू यहाँ पे लिखिए प्लस टू इन ए हमारा क्या ए हमारा ए ही है और बी हमारा क्या टू एक्स है तो देखिए टू टू इसको इंटू कीजिए टू, टू फोर फोर एक्स इसके बराबर आ रहा है ना आ रहा है ना यहाँ पर तो यहाँ ये यह देखिए यहाँ टू ए पी लिख दे रही हूँ समझाने के लिए ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हमने एक टर्म जो है हमने क्या ऐड किया मैं यहाँ पे लिख दूड टू एक्स का होल स्क्वायर इन बोथ साइड एल एच एस आर एस में हमने ऐड किया ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है होल स्क्वायर बनना है तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ये हमारा फॉर्मूला बनना है ठीक है तो अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है टू का होल स्क्वायर लिख दिया लिख दिया ना यहाँ पर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अच्छा ये भी हमारा क्या हो जाएगा ए ए और ये क्या है प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर जब इसको इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ तो आएगा ना सेम यही चीज़ आएगा ये और इसको भी ओपन करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा ठीक है फॉर्मूला बन गया अब हम क्या करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ये स्क्वायर जो है ना हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगेगा लगेगा कि नहीं लग गया विथ प्लस माइनस साइन लग गया यहां पर या फिर एक चीज और कर सकते हैं देखिए हम यहां से इसको हटा देते हैं हम एक और इजी चीज कर सकते हैं मैं यहाँ से इसको हटा दू तो देखिए स्क्वायर को यहां शिफ्ट ना करने के जगह पर हम क्या करेंगे कि देखिए ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर अच्छा ये क्या है ये पूरा होल स्क्वायर है इसका साइन क्या है पॉजिटिव तो इस पूरे टर्म को हम एल में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या है ए प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू तो जीरो ज्यादा ईजी रहेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर इसको कैपिटल ए मान लीजिए पूरे को तो कैपिटल ए स्क्वायर और इस पूरे को कैपिटल बी मान लीजिए कैपिटल बी स्क्वायर तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मूले में सेट हो गया जिसका फॉर्मूला क्या आप

अब है? है यह यहाँ कर <coughs> करते है हमारा क्या है 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 और ये ये लिख दिया दिया ठीक में हमने पे कर पेज ऊपर करते हैं पेज हमने ऊपर किया अब क्या करेंगे हम ये देखिए क्या जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस ब्रैकेट खोलिए माइनस ए माइनस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज ठीक है ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस ए प्लस टू एक्स ये हो गया इक्वल टू जीरो ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस अच्छा हमने ए क्या माना था शुरू में हंड्रेड माना था क्या माना था हंड्रेड मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ हमने क्या माना था ए को ए हमारा क्या था यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सिंपल इस, करने के लिए हमने क्या किया था ये देखिए ये ए को हमने क्या माना था हंड्रेड माना था ना तो अब ए की वैल्यू हम वहां पर रख देते हैं ठीक है ये मैं पेज थोड़ा नीचे करूँ हम यहाँ पर क्या करेंगे ए की वैल्यू क्या है हंड्रेड रख दीजिए माइनस टू एक्स ठीक है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर भी एक की जगह क्या रखेंगे हंड्रेड प्लस टू एक्स एकवल टू जीरो ठीक है तो ये देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है और ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स यहाँ पे लिखिए और ये क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस टू ये हो जाएगा माइनस नाइनटी एट हो गया यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये क्या है प्लस टू एक्स है और हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड टू हो जाएगा टू जीरो हो गया हमारा ठीक है पेज हम ऊपर करते हैं ये हमने पेज ऊपर किया अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि ये एक ब्रैकेट है की है दोनों के बीच में इंटो का साइन इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस नाइनटी एट ये जीरो के बराबर होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन हंड्रेड टू ये जीरो के बराबर होगा ये हो गया यहाँ पर ठीक है तो अब देखिए यहां से हमको दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी हमारा इक्वेशन क्या था मेन एक्स का पॉवर फोर माइनस फोर हंड्रेड एक्स माइनस नाइन टू जीरो आप देख सकते हैं है? तो ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है तो टोटल हमें यहाँ पर चार वैल्यूज एक्स की मिलेगी यहाँ पर डिग्री से पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज जाएंगे तो देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ डिग्री टू दिख रहा है ना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे दो वैल्यूज यहाँ से टोटल चार वैल्यूज मिलेंगे हमें एक्स के तो चलिए अब इसको

का और रख दिया हमने ठीक है पेज ऊपर करते हैं पेज हमने ऊपर किया यहाँ पर देखिए क्या करेंगे एक्स स्क्ल टू एक्स स्कल टू ये देखिए माइनस माइनस टू ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो टू तो लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा ठीक है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको इनटू कीजिए देखिए मैं एक बार और देख लूँ पी स्क्वायर ये सही है तो फोर नाइन्टी एट कितना हो जाएगा फोर एट जाए देखिए नाइन्टी एट को फोर से इनटू एट फोर थर्टी टू का टू नाइन फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और थ्री थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू हो गया ठीक है अपॉन ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू एक मिनट थर्टी टू सही है टू प्लस माइनस अब देखिए इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा थ्री नाइन्टी सिक्स हुआ फोर ऐड कीजिए यस फोर यस हो गया अपॉन टू अब देखिए हम क्या करेंगे थ्री नाइन्टी सिक्स का जो है ना इसका आप एक मिनट सही है ना फोर एट जै थर्टी टू का टू फोर नाइन जै थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स यस सही है थ्री नाइन्टी सिक्स का एलसीएम ले लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा टू वन जै टू टू नाइन जै एटीन टू एट जा सिक्सटीन फिर देखिए टू नाइन जै एटीन टू नाइन जै एटीन ये देखिए हो रहा है ना टू नाइन जे एटीन फिर थ्री से जाएगा थ्री थ्री जै नाइन फिर थ्री वन जै थ्री तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको पेज ऊपर करें यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्ल टू टू प्लस माइनस अंडर थ्री नाइन्टी से इसको क्या ले सकते हैं देखिए टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू इलेवन अपॉन टू इक्वल टू टू प्लस माइनस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से टू बाहर आ जाएगा इंटू और ये थ्री बाहर आ जाएगा और ये इलेवन जो है ये रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है तो एक्स स्क्ल टू अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर कॉमन यहाँ पे क्या वन इन है अब इस पे कॉमन क्या दिख रहा है देखिए टू यहाँ भी है यहाँ भी है तो टू कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा और ये बचेगा थ्री रूट इलेवन अपॉन टू तो ये टू टू कैंसिल तो क्या आ रहा है हमारे पास वन प्लस माइनस थ्री रूट इलेवन ठीक है तो हमारे पास फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ रही है एक्स <coughs> की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्ल टू वन प्लस माइनस थ्री रूट इलेवन ये आया हमारे पास ठीक है ये आया दो वैल्यूज ये आ गया एक बार प्लस में लीजिएगा एक बार माइनस में तो ये पहले वाले क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन से आया है ठीक है अब दूसरे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन से हम दो वैल्यूज फाइंड करते हैं वो कौन सा क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है आपका ये वाला है क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस हंड्रेड टू है ठीक है यही है ठीक है इसको मैं सॉल्व करती हूँ पेज में थोड़ा इधर कर देती हूँ इक्वल टू जीरो यही है ठीक है तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्या होता है माइनस बी तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या होगी वन देखिए ये वन है बी की वैल्यू क्या है ये आपका टू है सी का वैल्यू क्या है ये हंड्रेड टू है तो बस सर दीजिए माइनस बी यानी कि माइनस टू प्लस मैंने बी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन है फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना यही है ना ए सी वन हंड्रेड टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर टू माइनस टू प्लस माइनस ये हो जाएगा टू का फोर माइनस और इसको इंटू कर लीजिए तो फोर टू जा एट जीरो ठीक है और फोर वन जा फोर अपॉन टू ये हो गया हमारे पास ठीक है पेज ऊपर करते हैं यह हो गया हमारे पास ठीक है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्ल टू माइनस टू प्लस माइनस ये हो जाएगा इसमें से फोर माइनस कीजिए तो माइनस फोर जीरो फोर होगा ठीक है ना फोर जीरो फोर अपॉन टू ये हो गया हमारे पास ठीक तो है तो पेज ऊपर करते हैं यह हो गया यह हो जाएगा एक्स स्क्ल टू माइनस टू प्लस माइनस अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फोर ज़ीरो फोर इसको ये जो माइनस फोर जीरो फोर है ना इसको फोर जीरो फोर माइनस वन लिख सकते हैं भाई इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं ना ये माइनस वन है देखिए भाई इसमें माइनस वन इंटू कर सकते हैं तो माइनस वन को अलग कर दिया सॉरी मैं इसको और थोड़ा अच्छा लिख दूँ ये माइनस वन है ठीक है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा इसको लिख देंगे फोर इंटू सॉरी फोर हंड्रेड फोर और ये माइनस वन अपॉइंट टू राइटिंग पर मत जाइएगा आप लोग ठीक है ना या हमारे पास तो अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे x स्क्ल टू माइनस टू प्लस माइनस अब देखिए बीच में इंटू है अब फोर हंड्रेड फोर को अलग कर लीजिए और माइनस अंडर रूट माइनस वन इसको अलग कर लीजिए तो एक्स स्क्वल टू माइनस टू प्लस माइनस है सॉरी फोर हंड्रेड फोर और ये क्या होता, होता है आई के बराबर होता है हम सभी जानते हैं आई के बराबर होता है ना ये हो गया ठीक है तो अब ये आया हमारे पास तो एक्स स्क्ल टू क्या हो जाएगा ये देखिए माइनस टू प्लस माइनस अब फोर हंड्रेड फोर का ना एलसीएम ले लीजिए टू टू जै फोर टू टू जै फोर टू वन यस वन जीरो वन और आई थिंक अब नहीं जाएगा क्या अभी किसी से नहीं जाएगा सेवन से जाएगा नहीं जाएगा सेवन गया गया। नहीं इतना ही रहेगा तो देखिए ये क्या लिखेंगे इसकी जगह टू इंटू टू इंटू हंड्रेड वन आई अपॉन टू तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू प्लस माइनस देखिए इसमें से टू बाहर निकाल लीजिए पेयर है और अंदर अपॉन टू ये आया अब इसके आगे क्या करेंगे देखिए यहां पे हमको टू कॉमन मिला इसके साथ वन इंटू कर दीजिए देखिए दोनों में ये दो टा में कॉमन क्या रहा है टू यहाँ भी है यहाँ भी है तो टू बाहर निकाल लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा रूट हंड्रेड वन आई ठीक है ना आई भी है ना अपॉन टू यह तो एक्स स्क्ल टू क्या हो जाएगा आपका ये टू 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 कैंसिल क्या आ रहा है माइनस वन प्लस माइनस वन हंड्रेड वन आई तो देखिए दो वैल्यूज यहाँ से एक बार प्लस और माइनस एक्स की दो वैल्यूज यहाँ भी मिल गई और एक्स <laughs> की दो वैल्यू और, एक और दो वैल्यू क्या है मैं आपको दिखा दूं ये देखिए ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है दो वैल्यूज यहाँ पर है और दो वैल्यूज यहाँ पर टोटल चार वैल्यूज आ गई है एक्स के तो ये आपका आंसर है उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा होगा ये मैंने आपको फर्स्ट मैथड से सॉल्व करके दिखाया है कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी सेकंड मैथड से